अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, अब चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। जी मम्मा, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये एक कटोरा था मेरा मलाई का जो मैंने इकट्ठी की हुई थी मक्खन बनाने के लिए। अब मैंने इसे गर्म कर लिया, अब मैं दही इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने दही डाल दी इसमें, ठीक है। इसे ना मैं रख दूंगी जमने के लिए, जब ये जम जाएगी ना फिर हम इसे इसमें से ना मक्खन निकालेंगे, वो आपको दिखाएंगे मक्खन निकालते वक्त। ये देखो मैंने हिला दी है ये जमाने के लिए। मतलब आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल है, आप लोगों ने मतलब शहरी लोगों के लिए जिनको मक्खन निकालना नहीं आता, आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत आसान नहीं थे। हम लोग आपको सिखा देंगे और घरों में किस तरह मक्खन बनाया जा सकता है क्योंकि काफ़ी लोगों को मक्खन निकालना नहीं आता। हम लोग मलाई नहीं ना खाते कई लोग शहर में, तो ये कि मोटे ना हो जाएं इसलिए, तो फिर मलाई फ्रीज़र में इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो इकट्ठी हो जाती है, उससे हम देसी घी निकाल लेते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं। तो आज यही हमारी रेसिपी है, तो व्यूवर्स आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि हम लोग कैसे आपको मक्खन बनाना सिखा रहे हैं। आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना, कहीं नहीं जा रहा, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। ये ना मलाई जो जमाई थी ना वो मक्खन निकालने लगे। हम लोगों ने इसको जाग लगा दिया था आप लोगों के सामने दही का, तो अब हम लोग इसका मक्खन निकालने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको ग्राइंडर के अंदर डाल रहे हैं, तो मतलब बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग घर में बाहर आसानी मक्खन बना सकते हैं क्योंकि मलाई जो है सारे घरों में इकट्ठी हो जाती है, तो आप उसको जाग लगाकर घर में ना बहुत मज़े का और आसानी से मक्खन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा ये लग रहा है और कितना अच्छा गाढ़ा सा ये हो गया है। तो अब हम लोग इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, इसे ग्राइंड करते हैं। तो पानी हम लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया, ठंडा लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का हमने पानी लिया है, तो अब हम इसको ग्राइंड करने जा रहे हैं। जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो हम लोगों ये देखे मक्खन निकल आया, ये देखे ऐसे करूंगी ये निकलना शुरू हो जाएगा, ये माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा कितना मोटा मक्खन तैयार हो गया है। हम लोगों ने इसको ग्राइंड किया है और सब कुछ हम लोगों ने आपके सामने मतलब बनाया था, हम लोगों ने जाग भी आप लोगों के सामने लगाया था और अब हम लोगों ने ग्राइंड भी आप लोगों के सामने किया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा और मोटा घर में कितना ज़बरदस्त मक्खन तैयार हो गया है। ये शहर के लोग ऐसे ही निकालते हैं, हम लोग तो मतलब देहात में तो रहने वालों को चलो होता है। देखिए आप एक मिनट सर अपने हाथ में दिखा दें आप दोबारा, देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब शहर के लोगों के लिए, बाकी वो लोग जो मतलब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या जो लोग घर में बनाना सीखना चाहते हैं, मतलब हर घर में दूध तो आता ही है और मलाई वगैरह भी इकट्ठी हो जाती है, तो ये बहुत आसान तरीका है। इसे गर्म करके घी निकलता है, तो इससे ही मक्खन से घी बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो मक्खन है वो तैयार हो चुका है। बाद में निकालूंगी, आप ये दिखा दो, ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब अगर आपने दूध में मीठा डाला हो तो ये मीठा मक्खन भी हो सकता है, तो बाजार का ज़रा थोड़ा सा वो नमकीन सा होता है, तो वैसे भी घर का बने हुए मक्खन की क्या ही बात है, आप उसको नाश्ते के टाइम खा सकते हैं ब्रेड के साथ, वरना कोई आप लोगों ने पराठा वगैरह बनाया हो तो उस पर रख कर अगर आप खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको आज जो हम लोगों ने मक्खन बनाना सिखाया है इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मतलब आप लोग देख सक आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कितने आसानी से ये मक्खन आप लोगों के सामने तैयार कर लिया है, वो बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप लोग मतलब शहरों में रहते हुए मक्खन तैयार कर सकते हैं। तो रात के टाइम मैंने जाग लगाया था, वो आपको देखा था ना मैंने दही जमाई थी, तो आप सुबह के टाइम मैंने ये निकाल लिया। मतलब आप लोगों ने ओवरनाइट के लिए जाग लगाकर छोड़ना है, तो आपके सामने कितना ज़बरदस्त गाढ़ा और मोटा सा हमारा जो मक्खन है वो घर में ही तैयार हो गया बिल्कुल बाजार जैसा। तो अब हम अपने व्यूअर से इजाज़त ले लें। जी तो व्यूअर जब हम लोग आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।